Hi guys, welcome to my channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about founder and fathers in English literature. English literature में आपके जितने भी founders and fathers हैं उन सभी को हम आज discuss करने वाले हैं. आज की क्लास में हमारा यही टॉपिक रहेगा कि किस राइटर को क्या टाइटल दिया गया है. एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए. इससे क्या होगा, मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी. चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, फाउंडर्स एंड फादर्स इन इंग्लिश लिटरेचर. जॉफ्री चौसर को जो टाइटल मिला है वो मिला द फादर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द फादर्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, द फादर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसा एंड द फर्स्ट नेशनल पोइट. जॉफ्री चौसर को हम कई नामों से बुलाते हैं, कई टाइटल दिए गए हैं उन्हें. फर्स्ट टाइटल फादर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. आपको एग्जाम में किसी भी नाम से, किसी भी टाइटल से क्वेश्चन पूछ जा सकता है एग्जाम में एग्जामिनर. फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा जाएगा द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज किसे कहते हैं, जॉफ्री चौसर को. या पूछ सकते हैं द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसा किसे कहते हैं, जॉफ्री चौसर. द फर्स्ट नेशनल पोइट कौन है, जॉफ्री चौसर. इस तरह से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पुट कर सकता है एग्जाम में एग्जामिनर. देन हमारे आते हैं वेनरेबल बीड. वेनरेबल बीड द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग. द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग किसे कहते हैं, वेनरेबल को. एंड द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री किसे कहते हैं, वो भी वेनरेबल को. ये दो टाइटल किसको दिए गए हैं, वेनरेबल को. इसमें से आपसे किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री किसे कहा गया है, वेनरेबल को. देन है हमारे किंग एल्फ्रेड द ग्रेट. किंग एल्फ्रेड द ग्रेट द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज. इनको क्या टाइटल दिया गया है, द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज. नेक्स्ट है एस एच एलिस. इनको टाइटल दिया गया है फादर ऑफ ट्रेजेडी. एस एच एलिस को क्या टाइटल मिला है फ्रेंड्स, द फादर ऑफ ट्रेजेडी. द फादर ऑफ ट्रेजेडी किसको कहा गया है, एस एच एलिस को. एस एच एलिस को. एंड नेक्स्ट है हमारे निकोलस ओडेल. निकोलस ओडेल द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइटर. द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइटर कौन है, निकोलस ओडेल. आपसे एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसी तरह से जवाब देना है. फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछते हैं द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइटर कौन है, निकोलस ओडेल. अगर पूछे द फर्स्ट इंग्लिश रेनेसा कौन थे हमारे, चौसर. देन एडमंड स्पेंसर द पोइट्स पोइट. एडमंड स्पेंसर को क्या टाइटल दिया, द पोइट्स पोइट्स. लेकिन ये किसने दिया, चार्ल्स लैम ने. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे. इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि द पोइट्स पोइट ये टाइटल जो है एडमंड स्पेंसर को, वो किसने दिया, चार्ल्स लैम ने. एंड किसको दिया गया, एडमंड स्पेंसर को. द चाइल्ड ऑफ रेनेसा, द चाइल्ड ऑफ रेनेसा किसे कहते हैं, एडमंड स्पेंसर को. द ब्रिज बिटवीन रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, द ब्रिज बिटवीन रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन किसको कहा गया है, एडमंड स्पेंसर को. नेक्स्ट हमारे आते हैं गुटेनबर्ग. गुटेनबर्ग द फादर ऑफ प्रिंटिंग. इन्हें द फादर ऑफ प्रिंटिंग का टाइटल दिया गया है क्योंकि इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी. इन्हें क्या टाइटल दिया गया, द फादर ऑफ प्रिंटिंग. नेक्स्ट हमारे आते हैं विलियम कैंगस्टन, फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस. फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस किसे कहते हैं, विलियम कैंगस्टन को. एंड फ्रांसिस बेकन द फादर ऑफ इंग्लिश एसे. द फादर ऑफ इंग्लिश एसे का टाइटल किसे दिया गया है, फ्रांसिस बेकन. एंड जॉन वेकलिफ को टाइटल मिला है द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन. द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन किसे कहा गया है, जॉन वेकलिफ को. ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास. आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स.